Hello ladies and gentlemen, this is your friend and host Vivek Saini and you're watching Vivu's Auto Vlogs. So guys, welcome again. आज की जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम बायर है या फिर सेकंड टाइम बायर है लेकिन अभी नॉलेज नहीं है थोड़ा सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, इस तरीके से डीलर्स मैनिपुलेट करते हैं. एनीवे, आज का जो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई होती है अपने एस्पिरेशनल प्रोडक्ट को खरीदने में लग जाती है, जैसे कि घर हो गया, कोई अच्छी बाइक हो गई. अब फाइनली हम कार के बारे में बात कर रहे हैं. जो हमारी गाड़ी है वो हमारी ऑब्वियसली एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है और हम उसको लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं क्योंकि हम लोग 3-3.5 लाख से कम की तो कोई गाड़ी आती नहीं है. इतना ज्यादा अमाउंट पे करते हैं तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न में एक अच्छी क्वालिटीड गाड़ी मिलनी चाहिए, ये हमारे राइट्स हैं. इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं बताऊंगा आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बारे में क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है. प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले. पहले मैं चार पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर रहा हूँ. ये चार पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको फॉलो करना ना भूले अपनी गाड़ी को लेने से पहले. पहला कि डे लाइट में ही आपको अपनी गाड़ी को लेनी है, यानी कि 10 बजे के बाद में और 4 बजे तक आपको क्लोज कर देना है. इसके बीच में ही आपको डिलीवरी लेनी है. डिलीवरी लेने से पहले आप 2-3 घंटे पहले प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, पहुंच जाइए वहां पर और अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिए. सेकंड वन इज द डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अपने फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को साथ में लेके जाइए क्योंकि 2 आंखों से बेटर है कि आप 4 आंखों से देखें. इसके अलावा मैकेनिक को ले जा सकते हैं आप, अगर आपकी नॉलेज में कोई अच्छा मैकेनिक है जिससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उसे ले जाना ना भूले, वो इंजन बे को अच्छे से चेकआउट कर सकता है. एंड द फोर्थ वन इज बी courteous टू द सेल्स कंसल्टेंट, उनके लिए गिफ्ट ले जाइए, छोटा सा एक पार्कर पेन ले जाइए या फिर एक होल्डर ले जाइए, बहुत छोटा सा. बिकॉज आप 4-5 लाख की गाड़ी खरीद रहे तो 100 रुपए के गिफ्ट में या 200 रुपए के गिफ्ट में इट डजेंट मैटर सो मच, बट लिटरली ही इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच इन द आफ्टर सेल सर्विसेज. आफ्टर सेल सर्विसेज से याद आया, आप वहां के सर्विस एडवाइजर से भी मिलना ना भूलें ताकि आपकी कम्युनिकेशन हो जाए और आपके नॉलेज में सब लोग दिमाग में फिट हो जाए कि ही इज द जेन्युइन पर्सन, ही इज द नाइस गाय. ऑल्दो आपको सेल्स कंसल्टेंट जो है वो काफी हेल्प करेगा अगर आप उसको इम्प्रेस करते हैं तो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से और गाड़ी के एक्सटीरियर में आप देखेंगे तो फेंडर को देखना ना भूलिएगा, बंपर्स को देखना ना भूलिएगा, उनकी रीपेंटिंग तो नहीं की गई है, ये एक मैकेनिक ज्यादा अच्छे से चेक कर सकता है क्योंकि रीपेंटिंग हमारे आईज को तो सिमेट्रिक लग सकती है वो दोनों पेंट फिगर्स, लेकिन शायद एक मैकेनिक ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाए, वहां पे हेल्प कर सके. ओवरऑल आपको सारे बॉडी पैनल्स चेकआउट कर लेने हैं एक्सटीरियर से, देखिए कहीं सेंसर कोई मिसिंग तो नहीं है, कुछ बंपर पे कोई इफेक्ट तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं आ गया या फिर डेंट तो नहीं पड़ा है जिसको दोबारा से लगाने की कोशिश की गई है. यस, एक्सटीरियर में कवर कर लीजिए हर चीज को. अगर कहीं पर भी बॉडी वर्क डैमेज है, पेंटेड है, रीपेंट किया गया है तो उसको डीलर के नोटिस में ले आइए कि दिस इज द थिंग विच आई हैव नोटिस्ड, इस पे जरा एक्सप्लेन कीजिए. सेकंड वे है कि आप इंटीरियर्स को चेक कीजिए, इंटीरियर्स की सीट्स को देखिए कि उसके स्टिचेस जो है वो निकले तो नहीं है, कहीं अनथ्रेडेड तो नहीं है, सीट्स प्रॉपरली फिटेड है कि नहीं है. जो एसेसरीज आपने बोला था वो उनकी चेकलिस्ट उनसे ले लीजिए कि ये एसेसरीज थी और ये आपकी गाड़ी में प्रेजेंट है कि नहीं है. अगर आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम इनबिल्ड है तो उसमें ऑक्स सेक्शन को और यूएसबी पोर्ट को देख लीजिए, दे आर थॉरली वर्किंग और नॉट, और साथ ही एचडीएमआई और आप 12 वोल्ट की डीसी कंट्रोल को भी वहां से कर सकते हैं चेक. डैशबोर्ड की क्वालिटी शुड बी नाइस, वहां पे स्क्रैच नहीं लगा होना चाहिए, डोर पैड्स लूजन आउट तो नहीं हुए हैं, ग्लव बॉक्स प्रॉपरली लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, या फिर उसका फिट एंड फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. इसके साथ अगर मैं पावर विंडोज की बात करूं उनको भी थोरोली चेक कर लीजिए बिकॉज मोटर ऑन द टाइम यू नो वो डिग्रेड हो जाते हैं कभी कभार जब रखी रहती है बहुत टाइम तक गाड़ी डीलरशिप के स्टॉक यार्ड में. ORVM के कंट्रोल को भी यहाँ पर आप चेक करना ना भूलिएगा. साथ ही साथ वाइपर्स को चेक कीजिए, नीचे जो कारपेट लगा हुआ है उसको लिफ्ट करके देखिए वहां पे कहीं पे वाटर सीपेज तो नहीं हो रही है, जो आपकी सीट बेल्ट्स हैं इनको भी देख लीजिए प्रॉपरली एंगेज और डिसएंगेज हो रहे हैं कि नहीं. साथ ही जितने भी एडजस्टेबल कंट्रोल्स है जैसे स्टीयरिंग हो गया, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वो थोरोली चेक कर लें, और जितने भी लीवर्स है जैसे कि हैंड ब्रेक्स हो गए उनको प्रॉपरली आपको फंक्शन करके देखना है. अगर गाड़ी के अंदर कोई भी स्टेन है या फिर कहीं से प्लास्टिक में क्रैक आया हुआ है ब्रिंग डाउन टू द नोटिस ऑफ द डीलर. वाइपर्स, फ्लोर मैटिंग्स, फर्स्ट एड किट्स, हैजार्ड सिग्नल्स, ये सारे इंटीरियर्स में प्रेजेंट हैं कि नहीं है, इन सबको थॉरली आपको चेक करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप में आपको चेक करना इंजन के बे को, तो यहाँ पे हुड को ओपन कीजिए, देखिए वो लीवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ग्रीसिंग की गई हुई है उसके लीवर पे कि नहीं, उसके बाद जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको पूरे
ऑयल लेवल्स को चेक करना है, इंजन ऑयल लेवल, ब्रेक ऑयल लेवल, साथ ही साथ आप वाइपर फ्लूइड्स को भी चेक कर लीजिए, कूलेंट को भी चेक करना ना भूलिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टॉक यार्ड में पड़े पड़े काफी टाइम हो जाता है, 3-4 महीने हो जाते हैं गाड़ी को, और जब आप उसको खरीदते हैं तो उसकी रबर काफी हाइड हो जाती है जो मोटर पे लगी होती है, अल्टरनेटर पे लगी होती है, उसको भी थोड़ा लीजिए चेक कर लीजिए कहीं उसमें क्रैक तो नहीं आ गए हैं। फोर्थ स्टेप में आपको चेक करना है जितने भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्यूज बॉक्स को भी चेक कर लीजिए थॉरली, उसके अंदर डस्ट तो नहीं पड़ी हुई है। और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रिक वायर्स की बात होती है तो रोडेंट्स जितने भी हमारे रैट्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, वो काट देते हैं तार को, तो वो थॉरली आपको चेक करना पड़ेगा इंजन बे से कि भाई प्रॉपरली मेस्ड अप तो नहीं है कहीं वो वायर्स, या फिर कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक हेडलैम्प्स को भी थॉरली चेक करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लाइट्स हो गए हैं, हेडलैम्प्स हो गए हैं, टेल लैम्प्स हो गए हैं, पार्किंग लाइट्स हो गए हैं, इंडिकेटर्स हो गए हैं, और साथ ही साथ फॉग लैम्प्स भी हो गए हैं। तो आपको जितना भी इल्यूमिनेशन सिस्टम है गाड़ी के अंदर का, इंटीरियर का और बाहर का, उसको थॉरली चेक कर लीजिए अपनी डिलीवरी लेने से पहले। गाड़ी के बैटरी को भी एक बार देख लीजिएगा कि उसके टर्मिनल जो है वो लूज आउट तो नहीं है, या फिर उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वहां पर कोरोजन तो नहीं बिल्डअप हो गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बैटरी का वारंटी कार्ड लेना ना भूलिएगा। कभी कभार होता है डीलर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, एक बार पूछ लीजिएगा कि दे कैन प्रोवाइड यू द वारंटी कार्ड और नॉट। अब टायर्स के ऊपर बढ़ते हैं। कभी कभार डीलर्स होते हैं कि अनइवन प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, हालांकि वो काफी टाइम बाद ही आपकी टायर्स के अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है। इट्स बेटर कि आप थॉरली टायर को भी चेक करें, उसके ट्रेड्स प्रॉपरली हैं कि नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पे ध्यान दें। मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको पता लग जाएगा कि कितनी पुराने वो टायर्स हैं। स्पेयर व्हील के टायर को भी देखना ना भूलिएगा। स्पेयर व्हील से याद आया आपको, स्पेयर व्हील के जितने भी टूल्स हैं उनको भी थॉरली चेक कर लीजिए, जैक प्रॉपरली है कि नहीं। सो ओवरऑल यू हैव टू लुक प्रॉपरली on the tires as well, उसमें dirt तो नहीं लगी हुई है, कहीं वो demo car के tires तो नहीं डाल के दे दिए हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से dealer fool कर सकता है आपको। Sixth step में आपको देखना है अपनी गाड़ी के odometer। अगर 150 kilometers के लमसम आपका odometer reading देता है तो there isn't any issue with the car, but the moment it goes beyond 200 तो problem जरूर raise हो सकती है। आप उनसे पूछेंगे कि क्या ये है, इतने kilometers कैसे run हो गई है, क्योंकि होता delivery के time कभी कभार गाड़ी को लाने ले कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट से लाना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको ट्रक्स में लोड करा के लाएं, तो उस दौरान भी चल सकती है गाड़ी। हाँ, ये हो सकता है कि डेमो कार आपके साथ प्रेजेंट ना कर दे डीलर, तो उसके साथ में आपको ध्यान देना पड़ेगा बाकी सारी चीजों पर भी, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें मैं टेस्ट ड्राइव करने जब जाता हूं तो वो उनका ऑडोमीटर का तार निकला होता है, स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा होता है। ये सारी चीजें मैंने देखी है टेस्ट ड्राइव करते समय जब मैं रिव्यूज करता, तो ऑब्वियसली मेक श्योर कि आपको डेमो कार तो नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो नेगोशिएट कीजिए उन पे रुपीज पर कि आपको ये गाड़ी नहीं पसंद है, अगर पसंद मैं ये गाड़ी लूंगा भी तो मेरे को नेगोशिएशन चाहिए 70,000 रुपए का, 80,000 रुपए का। हाँ, आप गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग ईयर को जरूर एक बार डीलर से क्रॉस कंफर्म कर लें, पता चले वो 2017 की 2016 की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी दे रहा हो आपको। ये आप कैसे पता कर सकते हैं, उनके पास एक फॉर्म 22 अवेलेबल होता है, उसपे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड मंथ वहां पर मेंशन होते हैं, इसके साथ ही मेंशन होता है गाड़ी का चेसी नंबर या फिर वीआईएन नंबर और गाड़ी का इंजन नंबर भी वहीं पर मेंशनड होता है। सो दिस इज द ब्रॉड लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग योर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। डिलीवरी से पहले इन सब चीजों को थॉरली चेक करना आप ही की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी अगर आपका अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज डू ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू सॉल्व देम आउट। आई नो यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, इफ यू हैव नॉट रियली डन इट डू इट राइट नाउ। आई हैव टू यूट्यूब चैनल्स, वन इज फॉर द ऑटोमोबाइल एंड द सेकंड वन इज फॉर माय ट्रिप्स, सो आई वुड लव कि आप मेरे से टच में रहें। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, डू ड्राइव सेफ बिकॉज आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर।